एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस गनगोरे। मेरे चैनल पर जो भी न्यू है वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। तो आज हम सब आ चुके हैं सराफा। हमारा कहीं और प्लान था, बाकी वो बंद निकला मेला, तो हम लोग सराफा घूमने आ चुके। तो ये देखिए दीदी आई है, बच्चे आए हैं और वो जीजू तो आगे ही चले गए। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें, आगे आगे दिखाते। इंदौर की सबसे फेमस चीज़ है जो सराफा, वहाँ पर मैं आई हूँ, तो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ। आज हमारे इंदौर में इतनी ज़्यादा सुबह बारिश हुई है, सुबह बर्फ़ भी गिरी थी थोड़ी थोड़ी। और हेलो याना, इसको ठंड लग रही है। हेलो ये दीदी, ये मानवी और जीजू तो आगे चल। चीकू दादा, ये जियाजी, हेलो जियाजी नमस्ते। और ये मिष्टी है, हेलो मिष्टी। सबसे पहले क्या खाना है चीकू दादा को? समोसे। आपको? कचौड़ी। आपको? कचौड़ी। आपको? जो सब खाएंगे वो कचौड़ी। तो हम लोग आज यहाँ कचौड़ी, जो भी इंदौर आए सराफा ज़रूर घूमने आए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है सराफा। और इसलिए फेमस है, पूरी नाइट को ये पूरी नाइट तक चालू रहता है। पूरी नाइट तो नहीं, अब तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो चुकी है, तो 2 बजे तक एटलीस्ट चालू तो रहता है। साथ में कोई भूखा नहीं रह सकता। इंदौर में सही बोला आपने, इंदौर में आपको कुछ ना कुछ खुला जरूर मिलेगा, यहाँ पे कोई भूखा नहीं रहता है। लोगों को पता है इंदौरी होते बहुत ज़्यादा चट्टे, खाने के मामले में चटोरे होते हैं, क्यों दीदी? इसलिए तो हम लोग इंदौरी कहलाते हैं, क्योंकि हमारा मुंह बिल्कुल बस में नहीं रहता है खाने के लिए, जीप लप लप करते हैं। खाते पीते रहते हैं इंदौरी। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी है कचौरी से। हाँ, एक मेरी है आई मीन, देखिए ये देखो, ये दोनों बहनें चालू हो गई हैं इधर, ये भी। चलो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी है कचौरी से। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है सराफा बाजार की। यहाँ से आप अंदर जाएंगे इधर साइड से, तो आपको कंटिन्यूसली ऐसी कोई चीज़ नहीं जो यहाँ पे नहीं मिलेगी, और सारी चीज़ें आपको गरम गरम खाने के लिए मिलेगी। और टेस्ट की जो मैं बात करूँ, इंदौर में आए और इंदौर में टेस्ट का तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा फेमस है। टेस्टी खाना इंदौर में मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग की हमने कचौरी से, आगे आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहे, आपको दिखाती रहूँगी। तो सराफे के अंदर हम लोग अंदर देख सकते हो आप लोग। चलो तो आगे आगे आप ब्लॉग में बने रहें, दिखाते हैं यहाँ से होता है एंट्रेंस स्टार्ट। सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, सब गरम गरम। ये स्वीट्स देखते से मेरे मुँह में पानी आ रहा है, आज संडे है और ये तो नॉर्मल रश है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है 9 बजे के बाद से, तो अभी आप देखिएगा 12-1-2 बजे तक कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। हाँ, टेस्ट दिखाना अपने भी आना इधर, तो ये चीज़ आप बोलना ही मत। जामुन शॉट। जीजू क्या खाना है? पाव भाजी खाना है। आज जीजू की तरफ से ट्रीट है, आज हम पूरा सराफा फिनिश करने वाले। फिर एक्चुअली गाइस हुआ था, हम लोग मेले के लिए निकले थे, बट मेला बंद निकला और ऐसा हुआ है कि हम लोग सब घर से खाना खा के निकले थे। हमें एक्चुअली पता नहीं था कि मेला बंद निकलेगा, और फिर हमने सोचा बच्चों को आइसक्रीम खानी, तो क्यों ना सराफा घूमने आ जाए। दीदी क्या क्या खाना है आपको, जल्दी बताओ। क्या ना खुद की चीजें ले रहे हो, मेरी चीजें तो नहीं ले रहे, क्या लेना है आपकी चीज? क्या लेना था? हाँ चलो अभी देखते हैं। बनट क्रश के दही बड़े बहुत ज़्यादा फेमस है, मैं यहीं के दही बड़े खाती हूँ, जोशी के दही बड़े। फिर आपको अभी क्या खाना है? पाव भाजी। चीकू आपको क्या खाना है? तो गाइस हम लोग यहाँ रुके पाव भाजी खाने। जो कि उधर पे दीदी, अरे मानवी जी का बेबी, क्यों गुस्सा आ रही है? क्यों इतने गुस्सा कर रही हो? कौन सी चीज़ नहीं दिला रही हूँ मैं आपको? देखो पाव भाजी आ गई है, पाव भाजी पार्टी चल रही है। जीजू दीदी हम सब बैठे हुए हैं। चीकू तो हट जा वहाँ से, एक मिनट। अरे पापा प्लीज, अरे पापा प्लीज। ओह माय गॉड, मान भी दीदी को देख रहा हूँ। ये एक और आ गई है, लो 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 फुपाजी तेरे, जल्दी लो। जल्दी नहीं, नहीं एक बच्चे के लिए बलिदान दिया। अरे बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अरे
बच गई मैं गिरते गिरते जाती नहीं बचा है मुझे तो मैं जाती नीचे। भाजी खाते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। अब घर से खाना खाने के बाद भी इतनी पेट में जगह थी वो पता नहीं था हमको, फिर भी इतना हमने खा लिया है। कोकोनट क्रश यहाँ पे बेंगलोर किनारे बाबा कोकोनट क्रश बड़ी स्टाइल में पिलाया जाता है यहाँ पे। अभी लाया तोड़ के और जाना नहीं छोड़ के, और अच्छा क्रश पियो तोड़ के आयो भैया बेंगलोर किनारे बेंगलोर आयो भैया बेंगलोर ढक्कन अब माल बनेगा मक्खन आयो भैया नारियल पानी क्रश छह संडे और इतना ज्यादा रश है कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा। बाकी फेमस कुल्फी अरे ले लेने यार गोल्डन कुल्फी ये दो प्रकाश जी की, इन्होंने रियल गोल्ड पहना है और ये ऐसे ही अपनी मतलब बहुत ज्यादा फेमस है इनके बोल के कारण सब इन सब पिक्चर्स भी क्लिक करवाते हैं। ये अब सारा फ्राई वाला आइटम ये आप देख सकते हो, इधर भी सब दूर फ्राई 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 वाला आइटम है। चिप्स है कौन सी वाली है जो भी जोन से चिप्स बोलते हैं मुझे पता नहीं, मैंने कभी खाई नहीं। बाकी सोनम को बहुत ज़्यादा पसंद है ये चिप्स। तो गया स्वीट्स आप लोगों का, स्वीट्स से स्वीट्स मिलेंगे आपको यहाँ पे, शेक लस्सी एंड ऑल सारे स्वीट्स स्टार्ट हो गए। फ्राई वाला आइटम देखे तो आप यहाँ पे स्टार्ट हो गया स्वीट्स, ये देखिए स्वीट्स की सारी वैरायटी मिलेगी आपको। स्वीट्स है स्वीट्स है मुझे देख देख के बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ताकि अब मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल गया है मैं खा पाऊँ। स्वीट्स ही स्वीट्स है, एक फालूदा पैक करना है, फालूदा बीहू के डैडी के लिए ले रहे हैं हम लोग, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। कैसे बनाने वाले वो मैं आपको कैसे बनता है जस्ट वेट, ये डैडी के लिए पैक करवा लेना अपन फिर। हाँ डैडी को ये पसंद है फालूदा इसलिए। लाडू खाए जा रहे हैं। हाय वियाना, हेलो हेलो बीहू क्या इंग्लिश बोली आपने चिकू? हम लोग यहाँ बच्चा पार्टी रुके हुए हैं, ये आ गए दीदी जी जो आ चुके हैं, क्योंकि दीदी की चप्पल जो है वो टूट चुकी थी तो नई चप्पल देखने गए थे, पर शॉप नहीं खुली है, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि दीदी की चप्पल जो है वो पैरों में आके टूट गई। कोई बात नहीं, आपको आज नंगे पैर सफ़र करना पड़ेगा क्या जीजू? मेरी नंगे पैर सफ़र करना पड़ेगा आज इनको, सराफे में आके अभी देखते आगे कुछ ओपन होगा तो लेते हैं। चलने में ना हमको अरे आधे घंटे से ऊपर हो गए रास्ते में, यहाँ से बड़े निकल पा रहे हैं, इतना ज़्यादा रश हो रहा है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, स्मोक पान मिलेंगे आपको यहाँ पे, फायर और स्मोक पान देखो व्यू। व्यू देखो ऐसे करेंगे आपके साथ भी, ये ना आपके साथ भी ऐसा करेंगे। खा रहे हो क्या? देखो Thank you.
देखो पार्टी हो गई, फ्रूट पार्टी, लाडू पार्टी, सारी पार्टी। छोटू सा पर्स लिया है, लाओ व्यू वो दे दो, ये वाला कलर लाओ। चलो अब चलो चलो आ जाओ। हाँ। जी ने पर्स लिया है और मानवी जी जी ले रही है इयररिंग। लो बेटू कौन सा पसंद आ रहा है जल्दी से ले लो, तो इसमें छोटे चाहिए तो इधर आओ। ये देखिए इयररिंग डिसाइड किए जा रहे हैं यहाँ पे गुस्से के साथ, वो भी कि मुझे मेरी पसंद का लेने दो। हाँ हाँ हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो, चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करा ना तुमने व्लॉगिंग देख के। फाउंटेन खाना है इनको, चॉकलेट वाला, चॉकलेट वाला फाउंटेन खाना है। भैया एक और बना देना, ये काय में बना रहे हो आप? नहीं मार्स मेलो में ही बनता है क्या ये? बिहाना ये हाँ खाओ, कैसा है चीकू भैया, कैसा लग रहा टेस्ट? बहुत टेस्टी है। इन आपने क्या लिया है? ओहो ये देखो मार्शमेलो की वो, कैसा लग रहा टेस्ट? बढ़िया। मिष्टी आपको कैसा लग रहा है? अभी नहीं खोला, घर जाके खोलोगे? उसने खोला ही नहीं है। आपको फूफा जी को थैंक यू तो करो, सब जने इतनी अच्छी पार्टी दी आज, जल्दी से याना बिहाना फूफा जी को थैंक यू तो करो, इतनी अच्छी पार्टी दी। अरे अभी तो खाने में ध्यान है, बोलो फूफा जी को थैंक यू। थैंक यू बोल रहे दीदी, बोला लेडीज ऐसी क्यों खड़ी है? वो लेडीज देख के दीदी को लगा कि लेडीज ऐसी क्यों बैठी है, मेरे को ऐसा लगा कि लेडीज ऐसे क्यों खड़ी है। मानवी जा उसके पास, में तेरा फोटो खींच दो एक, चले जा इधर देखो चिकू। ओहो छोटे बच्चे की तरह जो चॉकलेट भैया ना, इधर देखना। अरे ओहो हो याना याना यार, भी याना का तो नहीं हुआ, वो चॉकलेट वाला नहीं खा रहा ना, कब पिंक पिंक लिपस्टिक खराब हो गई। इस सराफा से हम लोग जा रहे हैं घर अब। दीदी बोल रही है अपन ने खाया ही क्या है, आइसक्रीम बच्ची मतलब आप। जीजू कहाँ चले गए? भैया ना पेट भर गया, ये देखो। ओहो हो मानवी, मानवी कैसे और हम लोग निकल रहे, जीजू ने आज बहुत अच्छी पार्टी दी हमको। कोइंसिडेंस। फूफा जी को थैंक यू बोलो। थैंक यू, कितनी बार थैंक यू बोलो। अरे सो गाइस कितनी ठंड है, इतनी ठंड है याना। याना इधर देखो पीछे, मानवी की तो इधर की साइड से, उस साइड से पर ये कैसा हुआ, गर्मी के मौसम में ठंड आ गई क्योंकि बहुत तेज पानी गिरा यार। हाँ और बर्फ, बर्फ तो भयंकर। ओ शंख, शंख भी गिर रही है। हाँ क्योंकि नानी ने भी उठाया। हाँ शंख भी गिर रही आज, कुदरत का करिश्मा देख सकते हो आप। हाँ हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, फिर भी हमको ठंड लग रही। मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना, समझ लाया गम तो ये गम ही सही। मैंने दिल
से कहा जानता है, खाली शहर ये क्या खला है, शहर भर की खुशी से हमरा है, जश्न ये क्या माए, मजा तो बस गम में आए, मैंने दिल से कहा आया गम तो ये गम ही सही, हमसे की थोड़ा एक बात। सो गाइस हम घर आ गए। हाँ जी गाइस, फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। कभी थक गए, 12:30 बज गई है और हम घर आ चुके हैं। चलो आई आना दीदी, गुड नाइट। कैसे लगी आज की पार्टी आपको? चलो आना, चलो यहाँ कैसे बैठ गए, जैसे गाड़ी यही चला के लगी थी, पूरी थक गई है बड़ी। ये पापा का फालूदा, गेट नॉक करो। हेलो क्या आपका फैलबैथ फालूदा दे दो। फाइनली हम लोग सराफा से आ चुके। आपने देखा हमने वैसे तो घर से खाके गए थे, इतना कुछ ज्यादा खाया नहीं, फिर भी बहुत कुछ खाया। तो आप लोग जो भी कभी भी इंदौर आए तो सराफा जरूर आए, जिनको बहुत खाने पीने का शौक है और टेस्टी टेस्टी, और इंदौर तो फेमस ही इसलिए है, बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट यहाँ पे टेस्ट है, आपको हर चीज का मिलेगा। तो आप आए सराफा विजिट करें, अच्छी अच्छी चीजें खाएं, इंदौरियों का हाथ का टेस्ट लेके देखें आप लोग, नहीं फिदा हो जाए तो बोलना। तो ये व्लॉग हम यही खत्म करते हैं, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीवन, बाय बाय।